next. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। इलेक्ट्रो नाम है बेटा?
ठीक है बच्चों, आज हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो है टॉपिक दोबारा से कवर कर लेते हैं, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि यूवी दोबारा करवा। सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिनोथेरेपी क्या होती है। एक्टिनोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी में भी डिफाइंड एज ट्रीटमेंट बाय द मींस ऑफ रेडिएशन, जो ट्रीटमेंट हम करते हैं पेशेंट का बाय मींस ऑफ एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है, वो किस चीज में फॉल कर रहा है, एक्टिनोथेरेपी के अंदर, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्टिनोथेरेपी, ठीक है। बुक का नाम भी, बल्कि जो आपकी पीएम स्कॉट की बुक है उसका नाम भी इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्टिनोथेरेपी है, क्योंकि इसमें दो चीजें आ रही हैं, करंट से ट्रीटमेंट और रेडिएशन से ट्रीटमेंट, ठीक है। जो इंफ्रारेड रेडिएशन हैं, जो अल्ट्रावायलेट हैं, ये रेडिएशन हैं, लेजर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, तो सारी चीजें कम इन टू एक्टिनोथेरेपी। इट में इंक्लूड इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच फॉल्स बिटवीन विजिबल रेज एंड एक्स रेज, ठीक है। ये इसका स्पेक्ट्रम कहाँ फॉल करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फ्रॉम विजिबल रेज से ज्यादा होती है इनकी फ्रिक्वेंसी, एक्स रेज से कम होती है, उनके बीच में फॉल करता है। जो हमारी सनलाइट है जो हमें आ रही है उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, बल्कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं जो डैमेजिंग होती हैं आपकी आई के लिए, ठीक है, स्किन के लिए। हैव वेवलेंथ बिटवीन 10 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर, विजिबल बाय ह्यूमन आई, कैन कॉज सनबर्न एंड टैनिंग ऑन एक्सपोजर टू द सनलाइट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कवर अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइंग बिटवीन द विजिबल लाइट एंड एक्सटर रीजन। हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूरी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका एक स्टार्ट हो रहा होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, देन कम्स द विजिबल पार्ट जो हमें हमारी नेकेड आई को विजिबल है, ठीक है। बाकी सारी रेडिएशन हमें आंखों से नजर नहीं आती, ओनली द विजिबल स्पेक्ट्रम इज द वन विच वी कैन सी विदाउट एनी एड। अल्ट्रा वायलेट है उसके बाद, देन एक्स रेज, गैमा रेज। तो अल्ट्रा वायलेट जो है वो विजिबल और एक्स रे के बीच में फॉल कर रही है, फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। दे कैन ट्रांसमिट मच मोर एनर्जी देन द विजिबल रेज। विजिबल रेज से ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करती है। थ्री टाइप्स होती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, UVA, UVB एंड UVC। इन तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। UVC जो होती है दैट इज बिलो 280 नैनोमीटर, यानी 10 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक UVC है। देन 280 से 315 नैनोमीटर तक वी हैव UVB एंड देन फ्रॉम 315 टू 400 नैनोमीटर वी हैव UVA, अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन। तीनों के इनके इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। जो UVC और UVB होती हैं मोस्टली वो इन्वॉल्व होती हैं आपकी विटामिन डी की सिंथेसिस में। क्यों कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको धूप में जाना चाहिए विटामिन डी के लिए, धूप लगवानी चाहिए बच्चों को, कहते हैं ना, बहुत तेज धूप नहीं, सुबह सुबह की धूप या असर के बाद की धूप, जो बाय बर्थ जिन बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस, ठीक है, उसमें भी, और बड़ों को भी कहते हैं कि थोड़ी सी सन जो है, सन का एक्सपोजर जरूरी है। वो क्यों है, ताकि आपकी बोन्स स्ट्रांग हो। अब बोन्स कैसे स्ट्रांग होंगी सन से, उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं वो आपकी कोलेस्ट्रॉल से आपके सिंथेसिस करवाती हैं विटामिन डी की, ठीक है, इसी वजह से। प्रोडक्शन ऑल्दो प्रोड्यूस्ड बाय सन बट फॉर थेरेप्यूटिक पर्पजेज जनरेटर कैन बी यूज्ड। अब हमने जो थेरेप्यूटिकली फिजियोथेरेपी में अल्ट्रावायलेट की थेरेपी देनी है, हमने पेशेंट को सन में नहीं लिटा देना, नेचुरली सन प्रोड्यूस करे, लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली मशीन मैकेनिकल डिवाइसेज हैं। थेरेप्यूटिक अल्ट्रावायलेट यूजली प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ अ करंट थ्रू एन आयोनाइज्ड वेपर, ऑफन मर्करी वेपर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। डिवाइसेज कॉमनली यूज्ड आर आइदर एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास कोई गैस होनी चाहिए या कोई वेपर होने चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन करते हैं बाय द पैसेज ऑफ करंट, ठीक है। सारी हम आगे देख लेंगे कि मर्करी वेपर लैंप है हमारे पास, क्रोमेयर्स लैंप है, उनके क्या क्या अपने अपने डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। मर्करी वेपर लैंप होती है, उसके अंदर प्रेशर लो रखते हैं, टेम्परेचर हाई रखते हैं, ठीक है, और उसके उस करंट के पैसेज से फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज की प्रोडक्शन होती है।
इस तरह के हमारे पास सबसे ओल्ड ये हमारे पास मर्करी वेपर लैंप का मेथड है. यू शेप्ड हमारे पास ग्लास है, ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर हमने फिल कर दिया आर्गन गैस और मर्करी. मर्करी क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है. ये जो नीचे डॉट्स नजर आए, दिस इज मर्करी इन लिक्विड स्टेट एंड दिस ट्यूब इज फिल्ड विद आर्गन गैस. आर्गन गैस एट वेरी लो प्रेशर. Small amount of mercury is enclosed in the tube and sealed at both ends. दोनों इसके ends को seal कर दिया है, mercury और argon अंदर हैं. Argon gaseous state में, mercury ये liquid state में. U-shaped glass tube act as a point source. Burner is made of quartz. It allows the passage of ultraviolet radiation and can withstand very high temperatures. अब quartz का जो material होता है बहुत सी जगह confused होता है. Ultrasound का जो head होता है probe का, ultrasound की machine है उसका हेड है जिससे आपने करनी है, वो भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का होता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो ट्यूब्स होती हैं उनके जो एंड सील करते हैं वो भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के होते हैं. क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेक नहीं करता है, बहुत हाई टेम्परेचर्स को भी वो बेयर कर लेता है. इट अलाउज द पैसेज ऑफ यूवीआर एंड विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड हैव लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. और हाई टेम्परेचर मिलने पे वो एक्सपैंड नहीं करता. टेम्परेचर हाई हो तो कोई भी चीज़ एक्सपैंड कर जाती है, उसके सॉलिड हो लिक्विड हो एक्सपैंड कर जाते हैं, बट क्वार्ट्ज इज प्रेफरेबली बेटर. एट एंड्स ऑफ ट्यूब इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड, अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. ये हमारी ट्यूब थी, इसके एंड पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए हैं और यहाँ पे हमने इसको किसी करंट के वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट कर दिया ताकि करंट पास कर सके. सेटअप ट्रांसफार्मर इज यूज टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, 400 volts. इट विल आयनाइज आर्गन गैस. अब आर्गन गैस जो ट्यूब के अंदर थी वो न्यूट्रल स्टेट में थी. जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो आर्गन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, आफ्टर आयोनाइजेशन नॉर्मल मेन वोल्टेज विल कॉज movement of positive and negative particles through the burner, electrons towards the positive terminal and positive ions towards negative. current se humne connect kar diya, current 400 volt ka jab iske andar se pass karega, argon jo yahan pe gas hai at low pressure wo neutral state se ionize ho jati hai. ionize hone ka matlab ye hai ki wo charge aa jate hain, us pe electrons alag ho gaye uske aur positive charged argon gas ke molecules alag. अब ये दिस इज यूनिवर्सल लॉ के जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूव करेंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड मूव करते हैं. कोलिजन बिटवीन मूवमेंट आयंस एंड आर्गन गैस विल कॉज फर्दर आयोनाइजेशन. मूव करते हुए फर्दर जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ आयंस के साथ कोलिजन होती है, टक्कर होती है आर्गन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ और फर्दर आयनाइजेशन होती है. ग्लो ऑफ डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, सफिशियंट हीट इज प्रोड्यूस्ड टू वेपराइज द लिक्विड मर्करी इनसाइड द ट्यूब एंड फर्दर आयनाइजेशन ऑफ मर्करी हैपेंस. आर्गन गैस ने खुद आयोनाइज होना है, ठीक है, उसके बाद उसने क्या करना है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा और फर्दर मर्करी जो लिक्विड थी उसको आयोनाइज करना है. ठीक है, द अल्ट्रा वॉयलेट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ आर्गन आयोनाइजेशन, mercury vaporization and mercury ionization. तो सबसे पहले argon की खुद ionization हो रही है by passage of current, then mercury की vaporization हो रही है. mercury liquid form में थी हमारे पास, ठीक है, पहले उसके vapors बनेंगे फिर उन vapors की ionization होगी. When lamp is turned off, the ions of argon and mercury recombine so that within the tube everything returns to its neutral state. जब लैंप को टर्न ऑफ कर देते हैं, करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं, तो जो आयोनाइज हुए हुए मर्करी के और आर्गन के मॉलिक्यूल्स थे वो वापस अपनी न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हैं और ट्यूब के अंदर वापस वही आर्गन गैस और मर्करी इन लिक्विड स्टेट बन जाती हैं. आफ्टर द एप्लीकेशन पेशेंट पे अप्लाई करने के बाद ट्यूब के अंदर जो चीजें जैसे पहले थी एप्लीकेशन से वो वापस उसी स्टेट में आ जाती हैं. ये थी आपकी मर्करी वेपर लैम्प. नाउ देयर इज अनदर लैम्प विद द प्रोसेस ऑफ टाइम. डिफरेंट टाइप्स की लैंप्स जो है वो यूज में आती जा रही है. सबसे पुरानी मर्करी वेपर लैम्प होती है, क्रोमेयर्स लैम्प होती है. इट कैन बी यूज इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन. इसका एडवांटेज क्या है कि स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आप यूज कर सकते हैं. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्योंकि बहुत डैमेजिंग भी होती है, एरिथमा कॉज करती है. एरिथमा इज रेडनिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, और एक्सेसिव अगर एरिथमा हो जाता है तो बर्न वगैरह भी हो सकता है, यहाँ पे स्किन डैमेज हो सकती है, आपके एपिडर्मिस का डैमेज हो सकता है.
तो क्रोम एयर लैम्प का ये एडवांटेज होता है कि इसे स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में भी यूज कर सकते हैं. डेंजर ऑफ बर्न इज एलिमिनेटेड विद क्रोम एयर लैम्प. हार्मफुल इंफ्रारेड रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्कुलेटिंग वाटर. ये इस तरह का सेटअप होता है क्रोम एयर लैम्प का. इसमें मीडियम प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प डिजाइन टू बी यूज इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज बोथ ऑन स्किन सर्फेस एंड इन बॉडी कैविटीज. क्रोम एयर लैम्प का यही एडवांटेज है कि इसको आप स्किन के साथ अप्लाई कर सकते हो इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू. Used for treating localized lesions as pressure areas, ulcers, sinuses, open areas, wounds, को sinuses जो इसकी बाद में therapeutic uses हैं ultraviolet radiations के, आप क्रोम एयर लैम्प को उन सब में use कर सकते हैं. Then there is another type of lamp which are called as fluorescent tubes. Mercury vapor lamp has a disadvantage. It produces a certain short proportion of ultraviolet radiations. Mercury vapor lamp का disadvantage क्या है? क्या वो एक स्पेसिफिक सा प्रोपोर्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी की यूवी रेज प्रोड्यूस कर रही है. अगर हमें किसी और फ्रीक्वेंसी की है, एक हमें वाइडर फ्रीक्वेंसी चाहिए यूवी रेज की, तो हम फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज कर सकते हैं. मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफन रिक्वायर्स लॉन्ग वेव्स. फॉर दिस फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर यूज्ड. 120 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब मेड ऑफ ग्लास एंड अलाउज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू पास. इनसाइड ऑफ द ट्यूब इज कोटेड विद स्पेशल फॉस्फर. अभी एक मटेरियल होता है फॉस्फर, ट्यूब की इनसाइड पे फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग होती है. लो प्रेशर आर्क इज सेट अप इनसाइड ट्यूब बाय आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन किस चीज की? फॉस्फर की. फॉस्फर विल अब्सॉर्ब शॉर्ट वेव अल्ट्रा वायलेट रेज एंड री एमिट इट एज लॉन्ग वेव. अगर हमें लॉन्ग वेव्स चाहिए मॉडर्न ट्रीटमेंट में अल्ट्रा वायलेट की, तो मर्करी वेपर लैम्प जो होती है वो सिर्फ शॉर्ट वेव्स अल्ट्रा वायलेट की प्रोड्यूस करती है. लॉन्गर वेव्स के लिए हम फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज करते हैं. Then there is another setup जिसे हम थेरेक्टिन टनल कहते हैं. इसमें आपके पास फोर लैम्प्स कनेक्टेड होती हैं और वो एक एक टिश्यू पे फोकस कर रही होती हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. बेटा जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है. और पेनिट्रेशन अल्ट्रावायलेट के केस में आप कह सकते हो कि उतनी डीप पेनिट्रेशन होगी. लेकिन अल्ट्रावायलेट जो है बेसिकली इसके जो हमारे यूजेस हैं डीप पेनिट्रेशन से ज्यादा हमें जो हमारे वूंड्स हैं और स्पेसिफिकली इन्फेक्टेड वूंड्स, ठीक है, उन वूंड्स को डीसेंसिटाइज करने के लिए उनमें से जो भी डेब्रिस है, जो उसमें बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ हो गई है, उस ग्रोथ को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज की जाती है वूंड्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है. तो सुपरफिशियल ही इसका ज्यादा इफेक्ट है. सेमी सिलेंड्रिकल फ्रेमवर्क की हम देख चुके हैं पीछे. सेमी सिलेंड्रिकल शेप का फ्रेमवर्क होता है. फोर ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं इसमें. इवन इरेडिएशन ऑफ अ पेशेंट इज अचीव्ड. अब पेशेंट की इवन इरेडिएशन कैसे कि सारी साइड्स में से हमारे पास इक्वल उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जा रही है टिश्यू के, तो एक इवन हमारे पास उसकी इरेडिएशन हो रही है. ट्यूब्स विद स्पेक्ट्रम ऑफ 280 to 400 नैनोमीटर आर यूज्ड. Then there is another kind of setup. इसको कहते हैं PUVA, Soralin. P stands for Soralin. जो material यहाँ पे use होता है ultraviolet A radiations produce करने का की machine है. A radiation can be performed by special tube which may be mounted in a vertical battery on a wall or on four sides of box surrounding the patient. UVR are given to patient for 2 hours after the patient has taken a photoactive drug Soralin. Patient पहले एक photoactive drug जो है वो इनटेक करता है उसकी सोरेलिन ड्रग की. उसके बाद उसे काफी टाइम के लिए एटलीस्ट 1 hour to 2 hour के लिए आप सेटअप में PUVA के सेटअप में प्लेस कर देते हैं. स्किन की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी ज्यादा यूज किया जाता है. टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन की टेस्ट डोज. अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो चीज थोड़ी सी मेरे ख्याल बच्चों को कंफ्यूजिंग लगी है वो यही है कि इसकी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन में जो हमने इसका डोजेज टाइम निकाला था, टेस्ट डोज हमने निकालनी होती है अल्ट्रावायलेट रेज की. इंडिविजुअल पेशेंट रिएक्शन इज एसेड. पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का रिएक्शन. किसी में टेस्ट डोज पे बहुत कम डोज पे एरिथमा कॉज हो जाता है, किसी में एरिथमा काफी आगे थोड़ी सी डोज बढ़ा दें तो फिर भी एरिथमा कॉज नहीं होता है. पेशेंट की पेशेंट टू पेशेंट स्किन वेरी कर रही है इसीलिए उसकी डोज वेरी करती है. Techniques for administrating test dose is same for all except timing and distance of application. जितनी हमने ऊपर modalities की types देखी हैं, mercury lamp, fluorescent lamp है, Cromer's lamp है, उन सब के लिए जो test dose calculate करने का process है वो same है.
लेकिन उसमें डिस्टेंस, क्योंकि आप क्रोमेयर्स लैम्प को स्किन के साथ भी रख सकते हो तो डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाता है, और मर्करी वेपर लैम्प को या थ्रेक्टिन टनल को आप स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रखते हो, पेशेंट से थोड़ा सा फासले पे रखते हो। अच्छा जी, हम अब टेस्ट डोज कैलकुलेट करते हैं बाय एयर कूल्ड लैम्प। इस तरह क्या होता है कि कोई भी सूटेबल एरिया आपने देखे है ना पेशेंट का, मोस्टली फोर आर्म जो है वो यूज की जाती है, स्किन को वॉश करते हैं, थ्री डिफरेंट शेप होल्स आर कट विद अ मटेरियल रेजिस्टेंस टू यूवीआर, कार्डबोर्ड पेपर लिंट, लिंट कपड़ा होता है। बेसिकली हमने क्या करना है, एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले लेना है, गत्ता ले लेना है, उसके अंदर हमें थ्री होल्स कट कर लेने हैं डिफरेंट साइजेस के, एक स्मॉल है, एक मीडियम है, एक लार्ज है, ठीक है। और मिडिल होल जो होता है एयर कूल लैम्प के केस में, वो हम किस साइज का कट करते हैं, 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर, ये उसका उन्होंने एरिया दे दिया है, ठीक है, कि एक लैम्प है, एक कार्डबोर्ड है, थ्री होल्स कट कर लेने हैं, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। जो सेंटर होल है वो 2 by 2 सेंटीमीटर का होता है इन केस ऑफ एयर कूल लैम्प। और मटेरियल जो है हमने कौन सा यूज करना है जिसमें से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास नहीं कर सकती, ठीक है, हमने वो मटेरियल यूज किया, इसीलिए उसके बीच में से होल्स कट किए हैं कि जो बाकी की स्पेस होगी वहां से अल्ट्रा वायलेट पास नहीं करेंगी, रिजिस्ट हो जाएंगी, सिर्फ जो होल्स होंगे उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज पास करके स्किन पे इफेक्ट करेंगी, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। एवरेज डोज जिसे हमने E1B लेबल किया है, अब मर्करी वेपर लैम्प में क्या होता है, एवरेज इज 2 मिनट्स at 1 meter फॉर अ फर्स्ट डिग्री एडिमा, फर्स्ट डिग्री एरिथमा, यहाँ एरिथमा आएगा। फर्स्ट डिग्री एडिमा मर्करी वेपर लैम्प से कब कॉज होता है मोस्टली पेशेंट्स में, अगर आप 2 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हो मर्करी वेपर लैम्प विद अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter, ठीक है। क्रोमेयर लैम्प के केस में 2 seconds इन कॉन्टैक्ट और 10 seconds at 10 centimeter डिस्टेंस फ्रॉम द विंडो ऑफ लैम्प, क्योंकि क्रोमेयर लैम्प हमने क्या कहा था कि पेशेंट की स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में हम यूज कर सकते हैं, तो जब कॉन्टैक्ट में यूज करेंगे तो सिर्फ 2 seconds के अंदर अंदर पेशेंट की स्किन जो है वो एडमा, वहां पे रेडनेस आना स्टार्ट हो जाती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के केस में 3 minutes फॉर फर्स्ट डिग्री एरिथमा, ठीक है, और एरिथमा हमारा क्राइटेरिया है देखने के लिए कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कब इफेक्ट करती हैं, कितना टाइम लेती हैं, एरिथमा कॉज होगा तो समझे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इफेक्ट कर रही हैं। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट डोज, नंबर ऑफ पीपल आर टेस्टेड टू फाइंड आउट द E1 टाइम एंड डिस्टेंस बाय सीइंग एरिथमा रिएक्शन, एरिथमा का रिएक्शन देख के हमने E1 टाइम कैलकुलेट कर लेना और डिफरेंट लोगों पे अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अपरेटस आया है, हमें नहीं पता कि उसका E1 क्या है, वैसे जो वार्ड्स में अपरेटस यूज होते हैं उनके ऊपर मेंशन होता है कि इसका E1 टाइम 10 सेकंड्स है, इसका E1 टाइम 10 मिनट्स है, ठीक है, आप उसे देख के अप्लाई कर देते हो पेशेंट पे। लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास नया सेटअप आ गया है तो कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम डिफरेंट पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं और एक एवरेज निकाल लेते हैं सारे पेशेंट्स पे अप्लाई करने के बाद कि इसका E1 टाइम ये है, इसकी जो फर्स्ट डोजेज एवरेज डोजेज का टाइम है वो ये है, और वो हम उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं बाय नोइंग। और पता कैसे चलेगा एरिथमा से, ठीक है, जो उसकी स्किन की रेडनेस देख के पेशेंट की, बाय नोइंग द एवरेज E1 फॉर अ पर्टिकुलर लैम्प, ड्यूरेशन ऑफ E2, E3 एंड E4 कैन बी कैलकुलेटेड। E1 पता चल जाए तो हम E2, E3, E4 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द गिवन फॉर्मूलाज। E2 इज इक्वल टू E1 × 2.5 से मल्टीप्लाई करके E3 को E1 टाइम को 5 से मल्टीप्लाई करके और E4 में 10 से मल्टीप्लाई करके। अब टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कट आउट द टेस्ट पेपर इज अप्लाइड टू पेशेंट्स फोरआर्म एंड बॉडी इज स्क्रीन्ड, ठीक है, पहले बॉडी स्क्रीन करके आपने वो पेशेंट की फोरआर्म पे कार्डबोर्ड जो कट किया था विद थ्री होल्स वो आपने प्लेस कर देना है। मिडिल होल रिसीव्स द कैलकुलेटेड E2 डोज, जो मिडिल होल था वो E2 की डोज उसको आपने देनी है। स्मॉल होल जो होता है उसको आप स्लाइटली लॉन्गर देते हैं E2 से, और जो लार्जर होल होता है उसको आप स्लाइटली शॉर्टर देते हैं E2 डोज से, ठीक है, पेशेंट के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए। जो 3 होल्स है ना, नहीं पड़ा हुआ, अच्छा 3 होल्स हैं, जो बड़ा होल होता है उसमें आपने लेस टाइम देना है, जो सेंटर वाला होल है मिडिल वाला वो साइज में भी मीडियम है उसमें E2, और जो स्मॉलर होल है उसमें आपने ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। फिर आपने सारी डोजेस को रिकॉर्ड कर लेना है। इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द पेशेंट टू रिकॉर्ड व्हेन द एरिथमा अपीयर्स, पेशेंट को भी आपने बता देना है कि आपको रेडनेस जब नजर आएगी तो आपने बताना है,
ठीक है, एंड हाउ सेवेयर इट इज एंड हाउ लॉन्ग इट लास्ट. पेशेंट्स रिएक्शन विल डिटरमिन द फर्दर डोजेस. ये पेशेंट टू पेशेंट अगेन वेरी कर रहा है कि पेशेंट कितना एरिथमा को बेयर कर सकता है. ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये मिडिल होल है, ये स्मॉलर होल है और ये लार्जर होल है. स्मॉलर होल में हमने ज्यादा टाइम देना था और लार्जर होल में हमने कम टाइम देना. ये स्मॉलर मिडिल होल है, इसमें हमने 30 सेकेंड्स दिए, फिर हमने 60 सेकेंड्स दिए, फिर इस पे हमने 90 सेकेंड्स दिए. ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जो सेकेंड वाला होल होता है उसमें हमने E2 की डोज अप्लाई करनी होती है. कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट डोज बाय थेरेक्टिन टनल, सेम प्रोसेस है. सब सारे के सारे जो आप अल्ट्रावायलेट की प्रोडक्शन के टनल्स या लैंप्स यूज कर रहे हैं सबका कैलकुलेशन डोज का प्रोसेस सेम है. लार्जर होल्स लेकिन इसमें हम यूज कर सकते हैं 4x4 सेंटीमीटर का होल हमने यूज करना है जो सेंटर होल होता है एंड आर प्लेस्ड ऑन एब्डोमेन. क्रोमेयर लैंप के केस में हमने स्किन के साथ हम यूज कर सकते हैं क्रोमेयर लैंप कॉन्टैक्ट विद द स्किन कैलकुलेटेड विद स्मॉल होल्स. इसमें होल्स बिल्कुल हम क्योंकि स्किन के साथ है तो एरिथमा फॉरन 2 सेकेंड्स में एरिथमा आना स्टार्ट हो सकता है पेशेंट को. तो इसलिए बिल्कुल स्मॉल 0.25 सेंटीमीटर के होल्स कट करने हैं. एक्सपोजर टाइम नीड्स टू बी शॉर्ट. ओनली इंडिकेशन इज एरिथमा ऑन स्किन. ठीक है, फिर एक प्रॉपर चार्ट होता है जब यूज करना हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर उस पर आप नोट करते जाते हैं डोजेज और टाइम. Techniques of general irradiation, patient body part is washed to remove any dust or grease by soap and soaked with towel to remove moisture. Patient is explained about what is going on and how it will occur. Aapne patient ko koi bhi modality apply karni hai, koi bhi, not just modality, aapne patient ko manually treat karna hai, usko jo bhi treat karna hota hai, protocol hota hai ki aapne pehle usse sara explain karna hota hai. Patient is positioned in comfortable posture and avoid any undue exposure of other parts. Thin film of petroleum jelly is used for soft structures like lips, earlobes, eyelids, nipple, navel, etc. Thick blanket is used to cover the rest of the body. Eyes must be covered with cotton wool or goggles kyunki eyes pe ko retina ko bahut zyada effect karti hai ultraviolet radiations aur aapke eyes ka photokeratitis hoti hai ek disease jo aapke ultraviolet radiation ke exposure se आई में हो जाती है. इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट अपनी आईज भी कवर रखते हैं और पेशेंट की आईज भी गॉगल से कवर रखनी होती है. एरिथमा इस तरह आता है जब टेस्ट डोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना डिफरेंट होल्स बना के. ठीक है, तो कहीं ज्यादा रेडनेस है, कितना टाइम अप्लाई किया, इस तरह की पेशेंट की स्किन पे एरिथमा. बाकी जगह कार्डबोर्ड कवर था तो वहां पर एरिथमा नहीं है. जो होल्स होते हैं वहां पर एरिथमा आना स्टार्ट हो जाता है. इसके फर्दर अब इफेक्ट्स आ जाते हैं, इमीडिएट एक्यूट इफेक्ट्स. जैसे ही आपने अप्लाई किए उसके बाद एरिथमा नंबर वन इफेक्ट होता है. फिर पिगमेंटेशन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पिगमेंटेशन कॉज करवाती हैं. इंक्रीज स्किन ग्रोथ वहां पे होती है, विटामिन डी प्रोडक्शन, ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑन आई. और ये सारे इफेक्ट्स आगे डिटेल में मेंशन है. स्किन पे क्या हो रहा है जी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर अब्सॉर्ब्ड इन स्किन and it is there that reaction occurs and causes beneficial effects. Layers of skin कौन सी, epidermis और dermis तक जाता है. सबसे superficial layer होती है आपकी epidermis, उसके नीचे होती है आपकी dermis. Epidermis की further 5 layers हैं which are divided into superficial and deep layers. Deep epidermis is layer where reproduction of cells take place to replace those lost from the surface. अगर स्किन पे कोई कट आ जाता है नॉर्मली भी या फिर स्किन पे कोई डैमेज हो गया है तो एपिडर्मिस जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती. जो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, डीप डर्मिस, वहां पे न्यू सेल्स की रिप्रोडक्शन होती है और फिर सेल्स ऊपर से स्किन में माइग्रेट करके आपकी एपिडर्मिस भी वहां पे बाद में बन जाती है. उस जगह पे पतला सा कट भी लगे तो पहले वो अंदर से आपने देखा है पहले रेड कलर का हील होता है, उसके बाद स्किन के ऊपर वाली लेयर आती है. ठीक है, तो पहले आपकी डर्मिस हील करती है और फिर डर्मिस से के बाद एपिडर्मिस. पिगमेंट इज आल्सो प्रेजेंट इन डीप डर्मिस. पिगमेंट कौन सा पिगमेंट यहाँ पे बात हो रही है? हाँ, क्या नाम होता है उसका? मेलन. ठीक है, एरिथमा इज रेडनिंग ऑफ द स्किन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टिमुलेटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज. इन्होंने बता दिया कि एरिथमा होता क्या है. रिलीज ऑफ हिस्टामिन लाइक सब्सटेंस
dilatation of capillaries and arterioles and exudation of fluid into the skin. Fluid aa jata hai skin mein, wahan pe arteries aur capillaries jo hai unka blood flow zyada ho jata hai, reddening ho jati hai skin ki, sare cheeze jo hai erythema se ho rahe hote hain. Jis tarah yahan pe sunburn mein bhi, jo sunburn ho jate hain logon ko, hamare areas mein to nahi hote Asia mein, lekin jo white people hote hain, white skin tone people hote hain, unme skin burn ho jata hai sunlight mein, wo bhi ultraviolet radiations ki wajah se erythema cause hota hai, to sunburn hota hai. Pigmentation or tanning of the skin follows the erythema. Its amount varies with the intensity of erythema. It is due to the increased deposition of the pigment melanin formed in the basal cell layer of the skin by melanoblasts. Melanin produce karne wale cells ko kehte hain melanoblasts and migrates to the superficial layer of the epidermis. Ab jo deep basal cell layer hai wahan pe melanin produced hota hai kaun se cell se, by melanoblasts. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है मेलानोब्लास्ट्स पे एक्ट करती हैं और वो ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और वो फिर मेलानिन जब ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो वो स्किन की सुपरफिशियल एपिडर्मिस की लेयर पे जाके स्किन को डार्क कर देता है. थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस सडनली, ओवर एक्टिविटी ऑफ बेजल लेयर ऑफ एपिडर्मिस मार्क थिकनिंग. स्किन थिक होना स्टार्ट हो जाती है एपिडर्मिस की. थिकनिंग में अकर एज मच एज 3 times इट्स नॉर्मल थिकनेस बाय एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये सारे हम इफेक्ट्स देख रहे हैं कि पिगमेंटेशन होगी, एपिडर्मिस की थिकनिंग होगी, एरिथमा होगा. डिस्क्वेमेशन, इट इज द कास्टिंग ऑफ ऑफ सेल्स विच हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. डिस्क्वेमेशन और पीलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एरिथमा. जब एरिथमा कॉज होता है, बहुत ज्यादा एरिथमा कॉज हो जाता है, आपकी जो एपिडर्मिस है वो सारी वहां के सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और वहां की स्किन जो है वो पील ऑफ कर जाती है. वहां पे फिर न्यू जो डीप आपकी डर्मिस होती है वहां से न्यू स्किन, न्यू एपिडर्मिस रीजनरेट होना स्टार्ट होती है. इसको कहते हैं डिस्क्वेमेशन. विटामिन डी प्रोडक्शन, नाउ अल्ट्रावायलेट बी इज एबल टू कन्वर्ट द कोलेस्टेरॉल्स, स्टेरॉल्स उसमें से इन द स्किन सच एज 7-dehydrocholesterol टू विटामिन डी. Vitamin D is required to assist in the absorption of calcium and phosphorus from the intestines to the bloodstream. Aur vitamin D ka function hame pata hai ki wo hamara calcium phosphorus ki absorption hamari gut se, hamari intestine se vitamin D ki presence mein hoti hai. Suborbital doses of UVB are adequate to promote the vitamin D synthesis. Ab suborbital doses ka matlab ye hai ki jo erythema cause nahi karti, bahut light si dose. अल्ट्रावायलेट बी की बिल्कुल एक लाइट सी डोज जो होती है, दैट इज गुड टू प्रोड्यूस विटामिन डी इन बॉडी. फिर आता है इसोफाइलेक्टिक इफेक्ट. द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम. हमारे इम्यूनिटी में एक सिस्टम होता है रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो आपकी बॉडी का डिफेंस अगेंस्ट एनी फॉरन पार्टिकल, एनी बैक्टीरिया, एनी वायरस, उसको इंक्रीज करता है. इसको हम कहते हैं इसोफाइलेक्टिक इफेक्ट. एंटीबॉडीज अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स, E4 डोजेस इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय सच ऑर्गेनिज्म. जो इन्फेक्टेड वूंड्स होते हैं जिनमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है या वायरल ग्रोथ हो जाती है, वहां पे हम E4 डोजेस लगाते हैं ताकि वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है वो खत्म हो जाए, वूंड इन्फेक्ट ना हो. वूंड इन्फेक्ट होते तो क्या होता है, फिर हीलिंग नहीं होती, जख्म नहीं भरता. जब जख्म नहीं भरेगा वहां पे अल्टीमेटली नेक्रोसिस बढ़ती जाएगी और गैंग्रीन हो जाता है और फिर पार्ट्स की एम्प्यूटेशन करनी पड़ जाती है. वूंड हील नहीं होता, तो आपने सुना होगा कि इसका वूंड नहीं हील हो रहा था तो फाइनली उसकी टांग काटनी पड़ी, ठीक है, वो इन्फेक्टेड वूंड होते हैं. इफेक्ट ऑन आई, स्ट्रॉन्ग डोजेज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी एंड सी रेडिएशन टू द आई कैन लीड टू कंजक्टिवाइटिस. आपका जो कंजक्टिवा है आई का, उसकी इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं. एंड फोटोकेराटाइटिस, फोटोकेराटाइटिस इज स्पेसिफिक टू द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से जो आई का डैमेज होता है उसको फोटोकेराटाइटिस कहते हैं. रिजल्ट्स इन द इरिटेशन ऑफ आई, अ फीलिंग ऑफ ग्रिट इन द आई, वाटरिंग ऑफ द आई एंड अवर्जन टू लाइट. ठीक है, लाइट की तरफ नहीं देखा जाता, फोटोफोबिया डिवेल्प हो जाता है, आईज में इरिटेशन और वाटरिंग ऑफ आई स्टार्ट हो जाती है. In severe cases, intense pain and spasm of the eyelid may be present. This is also known as snow blindness. While ultraviolet B and C are absorbed in the cornea, ultraviolet A can pass through to be absorbed mainly in the lens of the eye. Ultraviolet A और भी ज़्यादा damaging है eye के लिए, कि B और C तो cornea तक जाती हैं, लेकिन lens of eye तक आपके ultraviolet A चली जाती हैं और फिर lens को भी destroy कर सकती हैं.
The strong doses of ultraviolet A may lead to formation of cataracts. फिजियोलॉजिकल या लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक इफेक्ट्स जो आपको बाद में इफेक्ट्स आ रहे हैं, एक्यूट इफेक्ट्स थे ये सारे जो अभी हमने ऊपर देखे हैं. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये हैं कि अगर प्रोलॉन्ग यूज हो जाता है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का तो सोलर इलास्टोसिस या एजिंग एंड कैंसर. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लीड्स टू प्री मेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन. दिस इज स्पेशली सो इन द फेयर स्किन. अगेन फेयर स्किन लोगों में ज्यादा होता है. फेयर स्किन लोग जो होते हैं वो सन को वैसे भी बेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम जो होता है सनलाइट में वो उनकी स्किन को ज्यादा डैमेज करता है. उनको स्किन कैंसर ज्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू द पीपल जो यहाँ पे हमारी एरियाज में स्किन टोन है. दिस इज प्रेफरेबल. इनमें स्किन कैंसर कम होता है. डिक्रीज्ड फंक्शन ऑफ सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स. आपके सीबम ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनको इफेक्ट करती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का प्रोलॉन्ग्ड यूज. लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू. द स्किन बिकम्स रिंकल्ड, ड्राई एंड लेदरी. कैंसर्स में स्किन कैंसर, बेसल सेल एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास हो सकते हैं. कार्सिनोजेनेसिस इज अ डेंजर एज दीज रेज मे हैव एन इफेक्ट ऑन डीएनए एंड थस ऑन द सेल रेप्लिकेशन. शॉर्टर अल्ट्रावायलेट रेज शुड बी अवॉइडेड. इसीलिए हम, क्योंकि मरकरी जो मरकरी वेपर लैम्प होती है अब हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि वो शॉर्टर वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करती है. शुड बी अवॉइडेड एंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट शुड नॉट एक्सीड 4 वीक्स. ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए हम क्रॉनिक जो है ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिकॉज इसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं. ये था आपका लेक्चर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन एंड इट्स टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन. क्लियर हो गया है? अभी भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आप लोग अपने सिलेबस को पढ़ें, मेड्स का जो सिलेबस है, और नेक्स्ट ट्यूसडे को हम डिस्कस कर लेंगे कि किस बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही रैंडमली, कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे का, तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ओके मैम. चलिए बेटा, ठीक हो गया, फिर आज का लेक्चर एंड कर देते हैं. मैम आपसे कुछ बात करनी थी. जी बेटा. मैम देखिए, मैम रिवीजन तो मैम आज हो गई है, तो मैम हम लोगों ने मतलब मिड्स हैं तो मिड्स की तैयारी वैसे ही ना कर लें, क्योंकि रिवीजन तो मैम हम रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं. तो आप क्या चाह रहे हो? नहीं नहीं मैम, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई जिसको जिसको कोई मतलब क्वेश्चनिंग करनी है वो आपसे सेशन ले ले. अगर मतलब ऐसे ही है, नेक्स्ट क्लास में मैं यही बात कर रही हूँ कि नेक्स्ट में जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगा वो ज्वाइन करें मीटिंग और मुझसे पूछ लें. ठीक है, जिन्हें कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेरी किसी टॉपिक में, तो फिर वो बेशक मीटिंग ज्वाइन ना करें, उसकी मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी. अटेंडेंस आपकी आज के लेक्चर तक मार्क हो जाएगी. ठीक है? यस मैम, क्योंकि मैम हम लोग मिड्स की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं. तैयारी स्टार्ट कर दें. यस मैम, थैंक यू मैम. मैम पैटर्न भी बता दें मिड्स का. बेटा आपके एमसीक्यूज होंगे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के, मोस्ट प्रोबेबली 40 एमसीक्यूज होंगे. अभी वैसे कंफर्म नहीं है, 40-50 एमसीक्यूज होंगे. ओके मैम, ठीक है. मैम मैंने आज क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी तो मेरी अटेंडेंस. तो बेटा आपकी अटेंडेंस वो तो मुझे जूम मीटिंग से पता चल जाएगा ना किस बच्चे की. जिस बच्चे की 10 मिनट से कम हो तो मैं उसकी मार्क नहीं करती, बाकी बच्चों की मैं कर देती हूँ. बेटा आज की क्लास में होगी, नेक्स्ट क्लासेस में नहीं होगी. ठीक है मैम, हमारी जो डेट शीट आई है ना मिड की, उसके अंदर रूम अवेलेबल नहीं है, मतलब रूम की वो अवेलेबल नहीं है नाम कि कौन से रूम में होगा, तो उसका बता दें. बेटा वो मुझे भी अभी नहीं पता क्योंकि रूम्स असल में शॉर्ट हो गए हैं, लेकिन आपको एग्जाम से पहले पता चल जाएगा. अगर ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो मैं LMS से अपलोड कर दूंगी रूम नंबर भी. ठीक है, वहां से आप लोग देखें. मैम टाइम स्लॉट भी कर दीजिएगा, वो भी सही से मेंशन नहीं है. क्या बेटा? मैम टाइम स्लॉट भी मेंशन नहीं है सही से वहां पर. चलिए ठीक है, मैं देख लेती हूँ.
रूम फाइनल हो जाए तो फिर टाइम स्लॉट और रूम में फाइनल मेंशन कर दूंगी। तो मैम वो इन लोगों ने स्लॉट लिखे हुए हैं तो इसका मतलब बस एक ही स्लॉट पे पेपर होगा, इतना ही बस पेपर होगा आपका बेटा? हाँ 50 मिनट्स का एक पेपर होगा। ये वैसे डिपेंड करता है डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स, कोई क्या पता कोई आपका एक घंटे का सवा घंटे का पेपर ले, बट मैं 40 एमसीक्यूज बनाऊंगी तो 50 मिनट्स दूंगी। मैम ऐसा है ना कि एक एक दिन में दो पेपर हैं तो दोनों कंसेक्यूटिव स्लॉट्स में है, तो ये ना ओके मतलब उधर से भी टाइम ज्यादा लग जाए इधर से भी टाइम ज्यादा लग जाए तो एक स्लॉट पे एक स्लॉट आपका 1 hour 15 minutes का होता है ना, उससे ज्यादा तो टीचर आपका टाइम नहीं रख सकता पेपर का एक स्लॉट से ज्यादा का। ठीक है मैम यही भी 1 hour 15 minutes तो एक स्लॉट है, उससे ज्यादा तो कोई भी टीचर नहीं रख सकता पेपर टाइमिंग, तो मैं उससे कम ही रख रही हूँ ताकि किसी ने पेपर करके आना है कोई और स्लॉट में तो उसको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए आने के लिए, इसलिए मैं 50 मिनट का पेपर रखूंगी। मैम हमारी मिड्स में क्लासेस होंगी क्योंकि टाइम स्लॉट उस तरह से है, एक दिन में कुछ लोगों का दो दो पेपर्स भी हैं। बेटा पहले तो वैसे मिड्स में क्लासेस होती है लेकिन अभी तक फाइनल नहीं है ये चीज, ऑन कैंपस ही होंगी, क्लासेस भी हुई तो पता चल जाएगा। ओके मैम ठीक है, आपकी 5 से ऑन कैंपस क्लासेस हैं तो आप लोग आना स्टार्ट कर दें। और वैक्सीनेशन कोई ऐसा बच्चा है जिसकी वैक्सीनेशन रह गई अभी तक? मैम नहीं हुई क्लास में जिसकी फर्स्ट डोज भी जिन्होंने नहीं लगवाई, कोई ऐसे भी बच्चे हैं? यस मैम नहीं हुई। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैम शॉर्ट हो गई है वैक्सीन शॉर्ट हो गई है? नो मैम वापिस आ गई है दोबारा से अब, लेकिन मैम जो हम लोग को लगी थी वो वाली नहीं आई, साइनोफार्म लगी है एंड एंड पे बच्चों को, लेकिन अब वो आई है साइनोवैक, तो जिस वजह से हम अभी भी नहीं लगवा सकते। मैम आप जो है ना साइनोवैक ही लग रही है ज्यादातर। अच्छा मैम मैंने बात करनी थी आपसे। जी बोलें। मैम देखें अगर अगर तो ऑनलाइन हमारे होते थे मिड्स। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी बोले मैम अगर हमारा ऑन कैंपस पेपर होता है तो आप टाइम ज्यादा रखिएगा क्योंकि ऑनलाइन तो आपको पता है चिटिंग का सीन होता है तो बच्चे चिटिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ऑन कैंपस में मैम आपको पता है कि हर टीचर मैम हाँ नहीं होती। तो मैम अगर 40 एमसीक्यूज हैं और आपको 50 मिनट्स मिल रहे हैं ये तो एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम है, कि बहुत मोर देन इनफ है। मैम जब मैं हमारे मैम थे तो हमें बेटा एक एक करके बोलो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, एक एक बच्चा बोले। हाँ जी मैम जब हमारे 100 एमसीक्यूज होते थे तो हमें 2 hour मिलते थे, लेकिन अब तो मैम आप 50 दे रही हैं और आप उसके लिए भी 40 एमसीक्यूज दे रही हैं उसके लिए आप 50 मिनट दे रही हैं। बेटा इलेक्ट्रोथेरेपी तो इतने इजी एमसीक्यूज होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किल भी होती है इलेक्ट्रोथेरेपी के पेपर में। छोटा सा लेवल है। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग इतने अरसे बाद जाके कैंपस में पेपर दे रहे हैं तो हमें कुछ हो रहा है कि हमने पता नहीं पहले जैसे कभी पेपर ना दिया हो, तो बात यह है कि बच्चों को चीटिंग की आदत हो गई है, अब ऑन कैंपस पेपर देते हुए बच्चे डर रहे हैं। मैम पूरा साल हो गया है। 60 मिनट दे देना मैक्सिमम 60 मिनट्स होंगे। डेढ़ साल बाद जाके कैंपस में पेपर दे रहे हैं, डेढ़ साल बाद जाके जब बेटा मैंने इसीलिए एमसीक्यूज रखे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह अभी नहीं रखते, बच्चे अभी पेपर्स देने आए हैं तो एमसीक्यूज इजी होते हैं। ठीक है तो इसमें अब आप लोगों को इससे ज्यादा कोई ढील मेरा ख्याल है देनी नहीं बनती। मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस इसलिए कैंसिल कर दिए कि अभी अभी बच्चे फर्स्ट पेपर दे रहे हैं कोई 1.5-2 साल बाद, तो बस एमसीक्यूज इजी रहेंगे पैटर्न। मैम अब तो आप मतलब 60 मिनट्स भी दे सकती हैं, मतलब तो कोई चीटिंग का सीन ही होता, टीचर्स हमारे सर पे खड़े होते हैं और जिसने जल्दी करके जाना है वो जल्दी करके भी चला जाता है, जिसने लेट करना है वो चलो 60 मिनट में भी करके चला जाएगा। चलिए ठीक है देखती हूँ। ओके मैम थैंक यू सो मच। ठीक है चलिए ठीक है बच्चों अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम।